हेलो फूडीज, वेलकम टू सलोनी रेस्टोरेंट्स कच्ची कहानी किचन। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल सारी दुनिया एक वैश्विक महामारी से लड़ रही है। बहुत से लोग उससे ठीक होकर घर वापस आ रहे हैं, लेकिन घर वापस आने के बाद उनके पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो है फास्ट रिकवरी की, जिसके लिए एक बहुत अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी फास्ट रिकवरी में बहुत हेल्प करती है। तो मेरी जो आज की रेसिपी है वो आपकी फास्ट रिकवरी में आपकी बहुत मदद करेगी। तो जो मैं आज आपको डिश सिखाने जा रहा हूँ वो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। इसका नाम है दाल पालक का साग। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना अपना साग। इसके लिए मैंने लिया है पालक, इसको मैंने धो के अच्छे से साफ करके और बारीक बारीक काट लिया है। इसको मैं डालूंगा एक कुकर में। मैंने लिया है इसमें मूंग की छिलके वाली दाल, जो कि स्प्लिट दाल होती है, मूंग की साबुत और एक छिलके वाली, तो ये मैं इसमें डालूंगा। इसमें डालूंगा थोड़ा सा पानी, एक चम्मच नमक। नमक हम पहले थोड़ा डालेंगे क्योंकि हम तड़के में भी डालेंगे नमक, और इसको हम प्रेशर कुक करेंगे 2 से 3 सीटियों तक। हमारे दाल और पालक को 2 से 3 सीटी लग चुकी है, दाल और पालक हमारी गल गई। इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा बेसन। बेसन को हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि उसमें गांठें पड़ जाती हैं, जो कि बाद में रिजॉल्व करनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, तो हम पहले ही इसको हल्का सा पानी में घोल लेंगे। इस बेसन के घोल को हम डालेंगे अपने साग में, इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा, और इसको हम 8 से 10 मिनट ऐसे खुला पकाएंगे। तो जब तक हमारी दाल पक रही है इसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़के के लिए लेंगे हम सलोनी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे स्मोकिंग पॉइंट तक। उसमें मैं उसको डालूँगा जीरा। जीरा जैसे हमारा क्रैकल होगा उसमें मैं डालूँगा बारीक कटा प्याज। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन होने शुरू हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगा बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा अदरक, बारीक कटा लहसुन, इनको भी हम प्याज के साथ भूनेंगे। अब हमारे प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सब गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसमें मैं अब डालूंगा बारीक कटा टमाटर, जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। टमाटर हमारे पक गए हैं, अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। इसमें मैं डालूंगा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब मसाले हमारे जले ना, इसके लिए मैं डालूंगा इसमें हल्का सा पानी। इसने अपना जो तेल है वो छोड़ दिया। तड़का हमारा तैयार हो गया है और दाल भी हमारी, जो कि हमने खुले में पकाई है, 10 से 12 मिनट पक चुकी है। अब हम अपनी दाल को इस तड़के में मिलाएंगे और इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे बस, ताकि ये तड़का और दाल आपस में अच्छे से मिल जाए। दोस्तों, हमारी ये दाल डन हो गई। अब चलिए इसकी फाइनल तड़के की तैयारी करते हैं। दाल को हमने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, और उसके फाइनल तड़के के लिए मैंने लिया है एक तड़का पैन। उसमें मैं डालूँगा देसी घी। घी गर्म होते मैं उसमें डालूँगा एक चुटकी जीरा, चॉप गार्लिक। जैसे ही गार्लिक हमारा ब्राउन होगा इसमें डालूंगा साबुत लाल मिर्च और थोड़ी सी देगी मिर्च, और तड़का ये हमारा जाएगा सीधे हमारे साग के ऊपर। दोस्तों, हमारी जो आज की रेसिपी है इसमें हमने यूज़ करी है पालक, जो कि एक अच्छा सोर्स है विटामिन के, ए और सी का, और बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर्स का। जो दाल हमने यूज़ करी है मूंग की छिलके वाली, वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का।
तो ये थी हमारी रेसिपी दाल पालक का साग। ऐसी और इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपीज को जानने के लिए हमारे चैनल सलोनी कच्ची कहानी किचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।